आज हम पढ़ेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। और अगर हम बात करें कि सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा वाला सिस्टम है, तो हम देखते हैं कि वो सिस्टम जिसके ज़रिए से ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करता है और न्यूट्रिएंट्स को, और हम देखते हैं कि चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। अगर हम बात करें कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो हम देखते हैं कि जिसमें ब्लड इनक्लोज्ड होता है, यानी कि ब्लड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स में रहता है, उस सिस्टम को कहा जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्दर हम देखते हैं कि इसमें जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब ये कि सिर्फ एक डायरेक्शन में। तो उसमें हम यहाँ पर अगर डायग्राम में देखें, तो हम देख रहे हैं कि एरो शो कर रहे हैं ब्लड की डायरेक्शन को, मतलब ये कि जो ब्लड जिस तरह से सर्कुलेट कर रहा है उसकी डायरेक्शन को। तो अगर उसकी डायरेक्शन देखी जाए कि किस तरह से है, तो उसमें हम देखते हैं कि हार्ट से किस तरफ को जाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेटरी रूट में, फिर वहाँ से दोबारा किस तरफ को आता है, दोबारा से अगेन हार्ट की तरफ। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्मॉल ब्रांचेस वहाँ से अराइज होती हैं, जो कि बॉडी के डिफरेंट जो आगे सिस्टम्स हैं वहाँ तक लेके जाती हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक सर्कुलेटरी रूट। फिर वहाँ से ब्लड जो है वापस कहाँ पर लाया जाता है, हार्ट तक। तो अगर हम बात करें कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या मौजूद है, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर इसके हिस्सों की बात की जाए कि कौन कौन से आते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हार्ट जिसके यहाँ पर हम देख रहे हैं, उसके बाद ब्लड जो कि सर्कुलेट करता है, और ब्लड जिन वेसल्स में सर्कुलेट करता है उन्हें कहा जाता है ब्लड वेसल। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल देख रहे हैं, अर्थ वॉर्म की एग्जांपल देख रहे हैं, जिसमें हमें यहाँ पर ये जो दिखाए हुए ये हार्ट है, जिसमें हम देख रहे हैं डॉर्सल वेसल। इसी तरह से ऑक्सिलरी हार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेंट्रल वेसल्स प्रेजेंट हैं, और ये क्या कर रहे हैं, हार्ट से ब्लड जो है वो पंप किया जाता है बॉडी तक। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि बॉडी से वापस कहाँ तक लाया जाता है, हार्ट तक। तो अगर हम फर्दर देखें, तो हम देखते हैं कि जो एनेलिड्स हैं, एनेलिड वॉर्म, जिसमें हमने अर्थ वॉर्म की एग्जाम्पल देखी, इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ जो मोलस्क हैं, इनवर्टिब्रेट्स की बात की जाए, तो इनवर्टिब्रेट जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनमें एनेलिड, अर्थ वॉर्म और मोलस्क। जब मोलस्क में अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसमें हम देख रहे हैं ये स्क्विड, साथ में ऑक्टोपस, और यहाँ पर ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं किसके डायग्राम है, ये कटल फिश की डायग्राम है। अब इन तीनों की हम बात करें तो ये किस फाइला से बिलोंग करते हैं, ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं, और इन तीनों का अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो इनका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर सिस्टमैटिक हार्ट, हार्ट से ब्लड को पंप किया जाता है ताकि फर्दर वो बॉडी टिश्यूज़ के पास, बॉडी से वापस आएगा कहाँ पर, किल्स के पास, ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन हो, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर भेजी जाए ब्लड में, और ब्लड के ज़रिए उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए बाकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, जितने भी हिस्से हैं उन तक। ये तो हमने इनवर्टिब्रेट्स की बात की। अब अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट जिनमें क्या, वर्टिब्रल कॉलम मतलब ये कि रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, वर्टिब्रेट्स। और हम देखते हैं कि सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और अगर हम उसमें देखें, जिस तरह से हम क्लासेस की बात करें, तो फिशेस जिसमें हम देख रहे हैं ये उसका सिस्टम देख रहे हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह से एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग है, टोड है, रेप्टाइल की बात की जाए, लिजर्ड, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि ये क्या शो किया हुआ है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हार्ट है, और इसी तरह से हार्ट से फर्दर जो हम देख रहे हैं ब्लड वेसल्स अराइज हो रही हैं, उनमें फर्दर ब्रांचेस होती हैं और ब्रांचेस होती हैं ताकि वो जो ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए। इसी तरह से अगर हम बात करें मैमल्स की और बर्ड्स की, तो मैमल्स और बर्ड्स में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ह्यूमन की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ह्यूमन में क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या मौजूद है, ब्लड। और जैसे कि हमने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की कि जो ब्लड है वो सिर्फ और सिर्फ उन ब्लड वेसल्स में मौजूद होगा, ब्लड वेसल्स के बाहर नहीं होगा, सिर्फ ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करता है, इसलिए इस सिस्टम को कहा जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर हम फर्दर देखें, तो हम देखते हैं कि जो ब्लड है उसको पंप किया जाता है हार्ट से सिस्टम में, जैसे इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जिसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपलरीज हैं। आर्टरीज जो कि हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं फर्दर, और कैपलरीज की बात करें कि कैपलरीज क्या हैं, तो हम देखते हैं कि जो डिवाइड और फर्दर रीडिवाइड होती हैं, और वहाँ पर जब वो रीडिवाइड हो जाती हैं तो जो एक्सचेंज है, किसका एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स का, इसके अलावा वहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल मौजूद हैं वो कहाँ पर आएंगे, ब्लड में, ये किस तरह से होता है, वहाँ पर मौजूद जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ में फ्लूइड मौजूद है जिसे कि टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है, उस फ्लूइड में और
और हम देख रहे हैं जो ब्लड कैपिलरीज में ब्लड मौजूद है इनमें एक्सचेंज होता है। अब एक्सचेंज होने के बाद ये ब्लड वापस, जैसे कि एरो शो कर रहे हैं कि ब्लड वेसल्स के ज़रिए हार्ट में आता है। अब जो ब्लड वेसल्स ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आती हैं, अगर उनकी बात की जाए कि उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है वेंस। तो हम देखते हैं कि ये जो सिस्टम है ये न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। और अगर गैसेस की बात करें कि कौन सी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये ऑक्सीजन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, इनको ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को बॉडी के सेल्स तक। और बॉडी के सेल्स जिन्होंने डिफरेंट प्रोसेस के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनाई हुई है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ब्लड में ले आएंगे और ब्लड के ज़रिए से कहाँ पर लाया जाता है, लंग्स तक, और लंग्स से बॉडी से फिर बाहर एक्सहेल कर दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें ब्लड जो है वो रेड कलर का नज़र आ रहा है। वो रेड कलर का क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें पिगमेंट मौजूद है जिसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। और वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं हीमोग्लोबिन जो है वो किस में मौजूद है, ब्लड में, और उसकी मौजूदगी की वजह से जो ब्लड का कलर है वो रेड है। अब अगर हम इन एनिमल्स को जिनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इनको कंपेयर करें उन एनिमल्स के साथ जिनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये एनिमल्स जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ हैं ये ज़्यादा लार्जर बड़े हैं। जैसे कि हमने देखा कि ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स हैं, इसके अलावा हमने देखा कि ऑक्टोपस देखें तो वो भी काफ़ी बड़े सारे होते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि वो लार्जर हैं और वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, उनकी नस्बत जिनका क्या है, जिनका ओपन सिस्टम या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन इसके साथ साथ एक अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए कि क्या वो डिसएडवांटेज होगा जिनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये तो हमने फ़ायदे की बात की कि वो क्या है, एक्टिव। अब अगर हम साथ में डिसएडवांटेज को देखें तो अगर डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, वो ये कि क्योंकि ब्लड जो है वो किस में इनक्लोज्ड है, ब्लड जो है वो ऑल द टाइम ब्लड वेसल्स में, मतलब हर टाइम कहाँ पर मौजूद है, ब्लड वेसल में, ब्लड का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है बॉडी के सेल्स तक। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो ब्लड वेसल की वॉल है, जो इसकी दीवार है, या फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है ये एक बैरियर सा बना देती है, मतलब ये एक रुकावट सी बन जाती है जिसकी वजह से ब्लड के अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एकदम से टिश्यूज़ के साथ उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है कि ब्लड वेसल्स की जब ब्रांचेस होती हैं और वो ब्रांचेस जब और ज़्यादा फर्दर उनकी ब्रांचेस होती हैं तब जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और वो ब्रांचेस जो हो रही हैं उनको हम क्या कह रहे हैं कि फर्दर, अब ये जो है ये क्या बन गई हैं, कैपिलरीज। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल का, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है मटेरियल की, वो कहाँ पर हो रही है, वो इस बैरियर को क्रॉस करके उसको कहाँ पर आना पड़ता है, उसको आना पड़ता है जो सेल में मौजूद फ्लूइड है वहाँ पर। अब जब सेल में मौजूद फ्लूइड है वहाँ तक जब आएगा तो फिर फर्दर वो फ्लूइड से सेल्स के पास जाएगा। इसी तरह से जो सेल्स वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस करते हैं वो वेस्ट मटीरियल उस फ्लूइड के पास आएगा, फ्लूइड से दोबारा कहाँ पर आएगा, इस बैरियर को, इस वॉल को, मतलब ये जो ब्लड वेसल की जो मेम्ब्रेन है या वॉल है, दीवार है, उसको क्रॉस करते हुए वो आएगा ब्लड वेसल में। और इस तरह से फिर हम देखते हैं कि वो कहाँ पर आगे फर्दर बॉडी में सर्कुलेट किया जाएगा, मतलब हम देखते हैं कि गैसेस को कहाँ पर लेके जाया जाता है, लंग्स तक, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सहेल किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में।